देखो मालेगांव शहर सेंट्रल का अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आजमी मालेगांव आकर समाजवादी के लिए शान हिंद की उम्मीदवारी डिक्लेयर कर चुके हैं और इस मुल्क में हमेशा फिरका परस्तों से लड़ने का काम समाजवादियों ने किया है, सोशलिस्टों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, एजाज बेग साहब को मुबारकबाद। मगर समाजवादी मालेगांव में उम्मीदवारी करने वाली है। 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे मल्ले की मस्जिद के पास से एक अजीमुशान जुलूस के साथ शान हिंद अपना पर्चा दाखिल करने समाजवादी पार्टी की रैली लेकर जाने वाली है। और इस शहर में शहर के लोग भी जानते हैं कि आज की तारीख में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए इन दोनों से जो नाराज़गी है, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव की लहर है और उस बदलाव की लहर के तौर पर इस मुल्क में यानी इस शहर में शान हिंद को देखा जा रहा है। हम हमेशा से एक उसूल लेकर चलते हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी अलग अलग कई दिनों से या कई हफ्तों से अलग अलग लोगों से रابطे में थी, हमसे भी रابطे में थी। पिछले 2-3 दिनों से मुझसे मुसलसल कांग्रेस पार्टी के रियासती जिम्मेदारान मेरे रابطे में थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे। मगर हम एक उसूल लेकर चलते हैं और कभी भी हमारे ताल्लुक से एक बात तो एकदम साफ बोली जाती है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं और कभी धोखेबाजी नहीं करते। हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलसल बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करिए, मगर हमारे कौमी सदर अखिलेश यादव मालेगांव शहर में आए, अबू आसिम आजमी हमारे लिए कोशिश किए और कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमको ए बी फॉर्म 2 दिन पहले दे दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग उम्मीदवारी का अरीज़ा दाखिल करिए। हमेशा निहाल साहब की रिवायत रही है कि हम आखिरी दिन उम्मीदवारी का अरीज़ा दाखिल करते हैं, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। और ये शहर बदलाव चाहता है और उस बदलाव के तौर पर एक खातून को वो देख रहा है। और शान हिंद जो है 23 नवंबर को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा, मैं इससे पहले ही बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ। और मेरी बात अगर बोली जाएगी तो मैं हर बात को पॉजिटिव लेता हूँ। मेरे लिए ये भी अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ उम्मीदवार डिक्लेयर कर दी। अब वो मेरे लिए कैसे पॉजिटिव है, उसको किस तरीके से पॉजिटिव इस शहर के लिए किया जाए कि समाजवादी के उम्मीदवार आसानी से चुन के आए, वो चीज़ मुझे समझ रही है और मेरे लिए ये एक पॉजिटिव बात है। मैं इसको मुस्बित तौर पे लेता हूँ कि इस शहर में 4 लोग उम्मीदवारी करेंगे। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक अपना तरीका रहा है, वो छोटी सेकुलर पार्टियों को दबाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमेशा फिरका परस्त ताकत पाते हैं। अभी हरियाणा का रिजल्ट पूरे मुल्क के सामने है। पूरे मुल्क की सेकुलर पार्टियां, जो भी इलाकाई पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा के रिजल्ट से सबक सीखना चाहिए। अब वो कितना सीखे, क्या सीखे, वो सबके सामने है। और इस मामले में जो है मैं बहुत बातें बोल नहीं सकता, ये रियासती और मुल्की सतह के लोग ही इस मामले में जो भी बात करना है वो लोग करेंगे। मालेगांव शहर में समाजवादी उम्मीदवारी कर रही है और पूरी ताकत से करने वाली है, ये हमको बोला गया है और हम 29 तारीख को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। एक बात समझ लो, मेरे साथ जनता दल में रहने वाले या समाजवादी में रहने वाले जो लोग रहते हैं, उनको एक बात पता है कि हर बात को पॉजिटिव करने की हिकमत अमली निहाली वर्करों में है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि 4 उम्मीदवार होना, ये समाजवादियों के लिए सबसे फ़ायदे की बात है। तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये खुश होने की बात है। फिलहाल तो ऐसा है कि इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, जैसे हालात आएंगे उस तरीके की कैंपेनिंग की जाएंगी।